हेलो प्रबल, हेलो। हाँ क्लास में हो क्या? क्लास बोलो। में हो? हाँ वीडियो दे देता मैं उनको, फर्स्ट वाला अपलोड ठीक। हाँ करवा दूंगा। सर वॉइस नहीं आ रही। वॉइस आ रही है? इज हाँ सर, आवा रही है। ऑर्डर। ठीक है, अब कार्ड जब हमारा ऑर्डर से बिलोंग करेगा, ठीक है, तो हम उसमें स्टेटस रखेंगे, इज ऑर्डर ट्रू और फॉल्स, क्या ये कार्ड ऑर्डर है या नहीं है। ठीक है, सो क्या वैल्यू रखेंगे हम? बूलियन वैल्यू रखेंगे जो कि डिफॉल्ट क्या होगी, डिफॉल्ट क्या होगी, ट्रू 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 होनी चाहिए सर। क्या होगी, वैल्यू मेरी डिफॉल्ट ट्रू क्यों होगी, क्या मेरा कार्ड डिफॉल्ट में ऑर्डर्ड रहेगा? फॉल्स रहेगा नहीं सर, फॉल्स होना चाहिए। ठीक है, जब कस्टमर ऑर्डर मैं प्लेस करेगा तो रेडी। वैल्यू उसकी ट्रू करनी है सर। डिफॉल्ट और ट्रू होती है सर। डिफॉल्ट में फॉल्स रहेगी। अब मैं मेरे कार्ड को जाके देखूंगा। यहाँ पे आगे मेरी बूलियन वैल्यू इज ऑर्डर फॉल्स जो कि डिफॉल्ट में फॉल्स है, तो जैसा आगे सर, हम क्या करेंगे, कार्ड हमारा वही रहेगा। ठीक है, जो भी कार्ड हमारा ऑर्डर्ड हो जाएगा उसकी वैल्यू हम ट्रू कर देंगे और उसकी जगह एक न्यू कार्ड इंसर्ट कराएंगे एवरी टाइम, और जितनी भी डिटेल्स रहेगी वो हमारे कार्ड्स में तो रहेगी प्रोडक्ट की। ये जो हमारे डिटेल्स है ये सारी हमारी कार्ड से ही आ रही है, तो हाँ सर अब हम जो भी कार्ड से कार्ड यार। ऑर्डर करेंगे उसकी डिटेल हमारे कार्ड्स में तो रहेगी। ठीक है, और ऑर्डर टेबल में क्या रहेगा, ट्रांजैक्शन आईडी रहेगी, नेम रहेगा यूजर का,
फोन रहेगा, पिन कोड रहेगा और जो भी डिटेल्स लगती है ऑर्डर के रिगार्डिंग वो रहेगी। ये एक्सपेक्टेड शिपिंग डेट किससे डिसाइड करेंगे सर? ये स्टैटिक लिखा हुआ है। ओके User has many cards कर दिया मैंने, has many orders कर दिया। Has many cards over या has one card over? Card तो एक ही हुआ सर। नहीं, अब हम cards का स्टेटस रख रहे हैं यहाँ पे। अगर वो ordered है तो वो show नहीं होगा, ठीक है? अगर वो ordered नहीं है तो एक new card add हो जाएगा automatically। ठीक है। देन हमारा कार्ड क्या करेगा, ऑर्डर से बिलोंग करेगा, हर कार्ड का एक ऑर्डर रहेगा और ऑर्डर के मल्टीपल कार्ड्स रहेंगे। कार्ड में अभी सारे एसोसिएशन को टेस्ट कर लेते हैं। यूजर डॉट फर्स्ट डॉट ऑर्डर्स मिल रहा है, ठीक है? कार्ड डॉट फर्स्ट डॉट ऑर्डर सर नहीं दिख रहा है, स्क्रीन रिफ्रेश नहीं हो रही है। फाइबर डाउन हो गया क्या सर? आई थिंक इंटरनेट कनेक्शन डाउन हो। स्क्रीन किसी को ही विजिबल नहीं है? नो सर। क्या आ रहा है? लिखा है स्टार्टेड स्क्रीन शेयरिंग सर, बैंक कनेक्शन दिख रहा है। ओके रिस्टार्ट करता हूं कनेक्शन।
ओके आया यस सर यस सर यस सर ओके सो ऑर्डर डॉट फर्स्ट डॉट कार्ड करूंगा नहीं अभी कोई भी कार्ड ऑर्डर नहीं हुआ है ओके तो अब हम क्या करते हैं रेल्स एक्सिट कर देते हैं कंट्रोलर ऑर्डर्स सर यहाँ पे कार्ट ऑर्डर का मतलब हेलो हाँ सर यहाँ पे कार्ट ऑर्डर का मतलब मतलब आइटम को कार्ट में ऐड करना होता है कार्ट ऑर्डर्स का मतलब कहाँ पे हाँ लाइन जैसे अभी अभी यहाँ पे सुबह हाँ सर यहाँ पे नील आया हाँ सो अभी कार्ट से कोई इसका ऑर्डर मतलब हुए ही नहीं है जब मेरा अगर कार्ड का स्टेटस इज ऑर्डर्ड में ट्रू आ जाएगा तो यहाँ पे मुझे ऑर्डर्स की डिटेल्स भी मिल जाएंगी सर एक चीज और नहीं समझ में सर हमेशा हम लोग फर्स्ट हाँ? लिखते हैं वहाँ मेथड तो ये और हम कोई भी डालते हैं सर वो फर्स्ट उसको गेट कर लेता है सर कैसे सर यहाँ पे जिस तरीके से हम कार्ड डॉट फाइंड लिखेंगे वन ठीक है सो उसी तरीके से हमारी फर्स्ट मेथड वर्क करती है जैसे हम कार्ड डॉट फाइंड टू लिखते हैं तो सेकंड ला के देता है हमें ठीक है रिकॉर्ड थ्री लिखेंगे थ्री ला के देगा तो उसी तरीके से नंबर्स में चलता है रेल्स में फर्स्ट लिखोगे फर्स्ट रिकॉर्ड ला के देगा सेकंड लिखोगे सेकंड रिकॉर्ड ला के देगा थर्ड लिखोगे जो उसकी थर्ड आईडी है वो थर्ड रिकॉर्ड ला के देगा हमें लास्ट लिखोगे जो वीएस कोड पे ना सर वहां पे सर आपने भी ये लिखा फर्स्ट लिखा है सर तो वो हमेशा फर्स्ट ही ऑर्डर रहेगा सर जैसे ऑर्डर करता है तो वहां पे कोई लूप भी नहीं लगा सर कहाँ पे वीएस कोड में वीएस कोड पे सर पीछे आपने कहीं भी मेथड में लगाया सर इंडेक्स पे सर कंट्रोलर में लगाया होगा कंट्रोलर में साथ ही इंडेक्स कंट्रोलर में लगाया क्या यस ओके ओके ये एरे और हैशेस के कारण होता है जब भी हमारा मैनी रिलेशन होता है तो हम जो फर्स्ट वाला ले रहते हैं उसको हम लेते हैं ठीक है एसोसिएशन में अगर आप डॉट करोगे सिर्फ तो आपको एसोसिएटिव वैल्यू नहीं मिलेगी इसलिए हम फर्स्ट करके गेट करते हैं अभी बताता हूँ कैसे ये मेरा ई कॉमर्स है अब ये मुझे एरर देगा जी एरर यहाँ पे सर फिर से स्क्रीन स्टक हो गई है नहीं देख पा रहा हूँ नहीं दिख रहा है चेंजेस रेंडर नहीं हो रहे हैं आया शो रही है सर ओके अब इसने मुझे क्या दे दी एरर दे दी क्यों एरर दे दी ये बताओ सर कार्ट अनडिफाइंड मेथड बता रहा है सर क्यों वो इसलिए बता रहा है सर क्योंकि जो कार्ट हम लोगों ने कार्ट को सेलेक्ट ही नहीं किया ना सर एक तरीके से देखा जाए तो कार्ट की कौन से वैल्यू लेने वाले हैं इसको तो बताया ही नहीं हमने नहीं इसलिए नहीं अब देखो कंसोल में व्हाट इज दिस कस्टमर के अंदर डाल रहा हूं मैं किसी यूजर का कार्ट दैट्स राइट ओके यूजर डॉट फर्स्ट किया मैंने ये थर्ड कर देते हैं यूजर डॉट थर्ड थर्ड रिकॉर्ड लाके दिया अब मैं यहाँ पे कार्ट लिखूंगा तब भी ऐसे ही आएगा क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या किया है एसोसिएशन बना दिया है कार्ट की जगह कार्ड्स को अब मैंने हैज वन कार्ट नहीं रखा है मैंने एसोसिएशन क्या बनाया हैज मैनी कार्ड्स बनाया है तो जो मेरी मेथड्स रहेगी वो क्या रहेगी हैज मैनी वाली रहेगी प्लूरल में रहेगी तो इसलिए मुझे अब हैज सिंगुलर में नहीं लिखना है किस में लिखना है प्लूरल में लिखना है मेरे मॉडल को तो मैंने इसलिए कार्ड्स में लिख रखा है तो जब मैं लिखूंगा यहाँ पे करंट यूजर डॉट कार्ड्स डॉट कार्ट आइटम्स ठीक है अब यहाँ पे कार्ड तो आ गया इज ऑर्डर्ड फॉल्स आ रहा है ठीक है
सो हमें यहाँ पे क्या कंडीशन लगानी पड़ेगी, वही कार्ड लो जिसका इज ऑर्डर फॉल्स हो। तो जब मैं वेयर कंडीशन लगाऊंगा सर ये सिर्फ स्कोप वही कार्ड, कहलाएगा हाँ वही कार्ड लो जिसका इज ऑर्डर फॉल्स हो। चाहे इसको हम किस में भी लिख ना सकते हैं, स्कोप में भी लिख सकते हैं, वेयर ऑर्डर चेन में। वेयर ठीक सर है ऐसा कर सकते हैं क्या वेयर वेयर नॉट ऑर्डर आईडी नील यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं क्या ऑर्डर आईडी नहीं डाली है मैंने अभी इसमें। हाँ ये भी अच्छा ये डाल नहीं सकते हैं, डाली ऑर्डर आईडी नील। कोई चेक कर सकता है अगर ऑर्डर आईडी नील है तो मत लिस्ट करो उसका हाँ सर आई ऑर्डर सो इसको हम क्यों यूज करेंगे इस ऑर्डर को, सपोज अगर किसी ने ऑर्डर कर भी दिया है ठीक है, बट प्लेस नहीं हुआ है, तो हम इस ऑर्डर पे उसकी वैल्यू तब तक चेंज नहीं करेंगे जब तक हमें कंफर्मेशन नहीं आता प्लेस का। ठीक है, तो सपोज किसी ने ऑर्डर किया, ऑर्डर पेज तक चला गया बट वो बैक आ गया। ठीक है, आप जा करते हो ऐसा, ऑर्डर की बाय नाउ की बटन पे क्लिक करते हो, समटाइम्स हाँ सर अगर आपको कुछ हाँ सर हाँ प्रोडक्ट्स सर हटाने होते हैं तो आप बैक ये कर देते हो डिस्काउंट देखने के स्क्रीन लिए को। करते हैं ठीक सर है, तो यहाँ पे ऑर्डर आईडी तो चली गई है आपकी कार्ट में, बट इस ऑर्डर है क्या फॉल ट्रू होगा क्या, वो फॉल्स ही रहेगा। फॉल्स रहे तो इस भी आप में मुझे क्या कार्ड पूरा क्लियर कराना है? कार्ड को नहीं, जब क्लियर नहीं तक मेरा कराना ऑर्डर सर नहीं हो जाता है, जब तक मेरी पेमेंट सक्सेसफुल नहीं हो जाती है, तब तक मैं इस ऑर्डर ट्रू नहीं करूंगा, इस ऑर्डर को फॉल्स ही रखूंगा, ऑर्डर आईडी को मैं चेंज करता जाऊंगा। क्लियर है? ठीक है सर ओके, कनेक्शन हो गया। अब मैं यहाँ पे जाके क्या लिखूंगा, कार्ड्स डॉट कार्ट आइटम्स डॉट कार्ट। कई बार हम कई बार ऐसा डिफाइन पे हमें मेरे को भी आता है सर ये वाला एरर बहुत ज्यादा आता है तो वहां पे सर क्या लिखना चाहिए ये आ गए, अब मैंने फर्स्ट क्यों लिखा है यहाँ पे, में मुझे एसोसिएटेड ऑब्जेक्ट लाके दिया जिसको मैं सिर्फ फर्स्ट एक्सेस कर सकता हूँ। फर्स्ट लिखूंगा, देन यहाँ पे मेरे पास पूरा रिकॉर्ड आ जाएगा। अब मैं इसके एसोसिएशन क्या कर सकता हूँ, गेट कर सकता हूँ। अगर मैं फर्स्ट नहीं लिखूंगा तब देखो किस में आ रहा है, ये एक एरे में आ रहा है, ये एरे दिख रहा है आपको, यस ब्रैकेट सर दिख रहे हैं। यस सर ठीक है, यस सर अब मैं एरे के बिहाफ, एरे के ऊपर जो मेरे एसोसिएटिव मॉडल्स हैं उनके मेथड्स को यूज नहीं कर सकता, मैं सिर्फ किसके ऊपर कर सकता हूँ, ऑब्जेक्ट के ऊपर कर सकता हूँ एसोसिएशन की मेथड्स को। तो अगर मैं यहाँ पे डॉट कार्ट आइटम्स लिखूंगा तो ये मुझे निल रिटर्न करेगा, क्या कहेगा, अनडिफाइंड मेथड कार्ट मेथड्स एक्टिव रिकॉर्ड एसोसिएशन, ऐसी कोई मेथड नहीं है एरे के बिहाफ पे। बट अगर मैं फर्स्ट लिखूंगा तो क्या अब ये एरे के अंदर आ रहा है? तो नहीं यार नहीं आ रहा सर अब मैं जब करूंगा इस पे कार्ट आइटम्स, तो ये मुझे पूरे कार्ट आइटम्स रिटर्न कर देगा एरे के फॉर्म में। अब इसको भी अगर मैं सेकंड करूंगा तो ये मुझे ऑब्जेक्ट लाके देगा ना कि एरे। फर्स्ट करूंगा तो फर्स्ट आ गया, थर्ड करूंगा देन थर्ड आ गया। क्लियर है क्यों फर्स्ट लिखता हूं मैं? क्लियर है, फर्स्ट को लिखता हूं। नहीं सर थोड़ा एक बार समराइज कर दीजिए सर मैं फिर यूज करते हैं ये मैंने फर्स्ट लिखा है, ठीक है, अब विदाउट फर्स्ट दिखाता हूं, ये मेरा फर्स्ट वाला है। क्या ये मेरा किस टाइप से है, ये पूरा के पूरा ऑब्जेक्ट है मेरा, बट यहाँ पे एक एरे के अंदर ऑब्जेक्ट आया है मेरा। सो एरे के ऊपर मैं मेरी मेथड्स को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता, मैं सिर्फ ऑब्जेक्ट के ऊपर कर सकता हूँ।
एक एरे बना लेते हैं। हाँ इंसर्ट कैसे करते हैं बताओ। क्या सर? एरे के अंदर वैल्यू कैसे इंसर्ट करते हैं? सर उससे करते हैं। किससे? सर डायरेक्ट लिखते हैं मेथड्स लिखूं बताऊं? कुछ भी बता दो मुझे, सिर्फ एरे के अंदर मेथड वो चाहिए, वैल्यू इंसर्ट चाहिए। ओके सर, एक इक्वल टू करके आप एरे बना लिया मैंने। हाँ सर, इससे एम्प्टी एरे आ रहा है। पुश से कर देंगे सर, सेट ऑफ पुश। पुश से नहीं होता है। इंडेक्स नंबर दे सकते हैं सर, एक के बाद इंडेक्स नंबर देके इसके इक्वल में वैल्यू रख सकते हैं। ए के अंदर वैल्यू चली गई मेरी, ठीक है। अब ए को फिर से ब्लैंक करता हूँ। अब देखो यूजर डॉट फर्स्ट इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। अब मैं इसको ए के अंदर डालता हूँ। फर्स्ट डॉट कार्ट आइटम्स करूंगा तो मुझे कार्ट आइटम्स मिल जाएंगे, बट इसी को अगर मैं एक एरे के अंदर इंसर्ट करूंगा तब क्या मिलता है तब देखना। अब ये एरे के अंदर गया है, ठीक है। ए डॉट अब कार्ट आइटम्स करूंगा तो मुझे नहीं मिल रहा, सेम एरर मिल रहा है। तो जो मेरी एसोसिएशन की मेथड्स रहती हैं वो एरे के ऊपर नहीं वर्क करती है, वो सिर्फ ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क करती है। इतने ये मेरा पूरा ऑब्जेक्ट है बट ये मेरा किसके अंदर है? एक एरे के अंदर है। अब एरे के अंदर से निकालने के लिए या तो इंडेक्स से निकाल लो या फिर मेथड से निकाल लो, फर्स्ट करके सेकंड करके। सर ऑब्जेक्ट कौन वाला है? हैश वाला बोल रहे हैं सर आप? हाँ है ना, की वैल्यू को पेयर में जो होता है ऑब्जेक्ट में, उसका ऑब्जेक्ट बोल रहा हूँ। इंस्टेंस वाला देखो, एरे के ऊपर मेरी मेथड्स चल रही है, ए डॉट फर्स्ट चल रहा है, ए डॉट सेकंड चल रहा है, ये चल रही है मेथड्स, ठीक है। यस सर। अब मुझे ये वाली वैल्यू गेट करनी है अगर ए वन, ठीक है। सो मैं कैसे करूंगा? ए डॉट फर्स्ट करूंगा तो वैल्यू मिल जाएगी। उसी तरीके से अगर मेरा कोई रिकॉर्ड एरे के अंदर है, ये रिकॉर्ड किसके अंदर है? यहाँ पे ये एरे के अंदर है और ये पहला रिकॉर्ड है इसलिए हम लोग फर्स्ट इस्तेमाल करते हैं। इसलिए हम फर्स्ट कर रहे हैं क्योंकि एरे के ऊपर मेरी मेथड्स वर्क नहीं करती, वो सिर्फ मेरे ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क करती है। ऑब्जेक्ट किसका? मेरे टेबल का, ठीक है। मॉडल का जो ऑब्जेक्ट है वो ये है, कार्ट, यही है मेरा कार्ट ऑब्जेक्ट। इसके ऊपर yes. मेरी मेथड वर्क करेगी, इसलिए मैं फर्स्ट लिखता हूँ डॉट फर्स्ट। तो मैं डॉट फर्स्ट क्यों लिखता हूँ? यस सर, यस सर। आगे ओके, तो ऑर्डर तक हो गया है हमारा, ऑर्डर मिल गया, ऑर्डर्स का कंट्रोलर भी जनरेट हो गया। अब तो ये जो एरर है इसको रिजॉल्व कर देते हैं। कार्ट आइटम्स डॉट फर्स्ट, सॉरी कार्ट डॉट फर्स्ट डॉट कार्ट आइटम्स, क्लियर करना पड़ेगा। सर जो आप मेथड्स यूज करते हैं रेंज, ये कहाँ पे मिलेगी सर? यहाँ जाओ डॉट मेथड्स लिखो, सारी मेथड्स मिल जाएंगी इतनी सारी। क्या करना होता है सर? डॉट मेथड्स करना होता है, सिर्फ डॉट मेथड्स लिख दो ये इस तरीके से, सारी मेथड्स मिल जाएंगी।
और सर एसक्यूएल की मेथड भी रहती है, यही है क्या? एसक्यूएल की मेथड्स अलग रहती है। उठाऊंगा डॉट कार्ड्स डॉट वेयर करूंगा मिल गए फिर से। यस सर। ऑर्डर्स कंट्रोलर बनाया था मैंने, बन गया है क्या? बन गया है। ठीक है, मेथड कर देते हैं। डिबगर लगाते हैं यहाँ। मम्मी routes customer orders rails routes आ गई। orders की देख लेते क्या है। ये रही ऑर्डर्स की, किस पे भेजना है? न्यू मेथड पे भेज देते हैं अभी के लिए। न्यू कस्टमर गेट कार्ड्स के इंडेक्स पे जाते हैं, लिखेंगे लिंक टू, टेक्स्ट आ जाएगा, पाथ आ जाएगा। ठीक है, अब ये वाली बटन कहाँ है हमारी? गो टू चेकआउट, फाइंड करो कहाँ पे है ये बटन। गो टू चेकआउट ये रही। इसको लिंक से रिप्लेस करो। प्लेस ऑर्डर करो, पाथ में वही पाथ दे दो जो आपको राउट्स में मिला है। किस पे भेजना है हमको? कस्टमर के ऑर्डर्स कंट्रोलर पे भेजना है। इसकी न्यू मेथड से ये पाथ लो, इसको पाथ करो। क्लास ऐड कर दीजिए। क्लास ऐड कर दो इसमें। बन गया प्लेस ऑर्डर। नीचे आके देखो ऑर्डर्स के न्यू कंट्रोलर पे जा रहा है। कस्टमर ऑर्डर्स न्यू मेथड शो रहा है। यस सर, जा रहा है। यस सर। क्या वैल्यूज भेजेंगे? कार्ट आईडी भेज देते हैं। दैट्स इट। कार्ट आईडी इक्वल टू क्या आ रहा है हमारे पास यहाँ पे? कार्ट आइटम्स डॉट ईच विथ इंडेक्स कार्ट आइटम्स आ रहा है। तो कार्ट आइटम्स में क्या कार्ट आईडी है मेरी? कार्ट आईडी मिल रही है सिंपली यहाँ पे लिख दो।
सारे कार्ट आइटम्स की एक ही कार्ट आईडी होगी, तो कोई भी ले लो, फर्स्ट ले लो, सेकंड ले लो, थर्ड ले लो, एक ही कार्ट आईडी मिलेगी आपको। ओके रिलोड करते हैं। अब देखो क्या मिल रही है, कार्ट आईडी 2 मिल रही है नीचे। यस सर, हो रहा है? यस सर, गेटिंग मैसेज। यस सर, हो रहा है। सबमिट करो, प्लेस होल्डर में जाके चेक कर लो डीगल लगाया है, क्या क्या मिल रहा है मुझे परम्स में। परम्स में मुझे कार्ट आईडी मिल रही है, करंट यूजर मिल रहा है, ऑर्डर टेबल करूंगा तो ऑर्डर टेबल में क्या क्या नीड है मुझे सारी मिल जाएगी। नेम की, ईमेल की, टोटल की, फ्लोट की, एड्रेस की, नंबर की, ट्रांजेक्शन आईडी की। यूजर आईडी चाहिए, डमी डालते हैं, ऑर्डर डॉट न्यू करंट यूजर। सर कुछ समझ में नहीं आ रहा था यहाँ पे, चेंजेस नहीं हो रहा, चेंजेस नहीं हो रहे हैं सर। अभी ठीक है सर। तो हो रहा है आप चेंजेस? हेलो सर, कुछ लिखिए तो समझ में आया सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा। नो सर, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा सर, स्क्रीन स्टक हो गया सर। ओके सर, आप शो हो रही है क्या? नो सर, नहीं सर, अभी भी स्टक ही है सर। सर 3 मिनट ही बचा, एंड कर दूं क्या? वेट करो। ओके एंड कर दो, ट्राई करता हूँ मैं स्क्रीन का। ठीक है सर, कल बाकी कल पढ़ाएंगे क्या? देखते हैं, अगर इंटरनेट कनेक्शन स्टेब्लिश होगा तो मैं इन्फॉर्म कर दूंगा ग्रुप से, या राम सर आपको इन्फॉर्म कर देंगे। अभी न्यू मीटिंग लिंक भेजू या नहीं सर? नहीं अभी मत भेजो, इंटरनेट कनेक्शन फ्लक्चुएट हो रहा है।